हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। तुम कल्पवृक्ष हो? हाँ जी मूतवाहन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। क्या चाहते हो? ये कल्पवृक्ष तुम्हारी हर अभिलाषा पूर्ण करेगा। हम राजा हैं और राजा का परिवार उसका पूरा देश होता है। प्रजा हमारी संबंधी है। अगर तू देना चाहता है तो सबके लिए दे, जिससे जिससे सबके दुख दूर हो सके और सब सुखी हो सके। नहीं राजकुमार, तुम प्राण नहीं दोगे। आज आज मेरी बारी है। लौट जाओ संगचूर, चले जाओ यहां से। तुम होते कौन हो मेरा स्थान लेने वाले? मैं हूं राजकुमार जिम्मतवाहन। मैं क्षत्रिय हूं। दूसरों के प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। ये बता विक्रम कि राजकुमार जिम्मतवाहन और शंखचूड में कौन अधिक वीर और साहसी है? वीरता किसमें अधिक है? कौन अधिक हिम्मत वाला है, जिम्मतवाहन या शंखचूड? विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। विक्रम विक्रम बेटा, विक्रम विक्रम बेटा, विक्रम और बेटा, विक्रम और बेटा। और सदा की तरह विक्रम का उत्तर सुनकर इस बार भी बैताल उड़ा और उसी डाल पर जाकर फिर लटक गया। अपनी हट पर अड़ा राजा विक्रम फिर वहां पहुंचा। उसने बैताल को वश में किया और पीठ पर लाद कर ले चला और बैताल ने फिर कहानी सुनानी आरंभ की। ये कहानी थी पर्वतों की गोद में बसे एक राज्य के राजकुमार की, जिसका नाम था जिम्मतवाहन। माली जी, राजकुमार जी, ये पेड़ सूखा क्यों है? मैं जब भी इसे देखता हूँ ऐसा ही, न फूल न फल न पत्ते। ये तो वर्षों से ऐसा ही है राजकुमार जी। अगर आप आज्ञा दे तो इसे काट दूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। आज से हम इसे देखेंगे, आज से हम इसे पानी देंगे, इसे खाद देंगे, इसकी सेवा करेंगे। देखते हैं कैसे नहीं पनपता है।
जिमूत वाहन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ जिमूत वाहन। ये कौन बोल रहा है? ये किसका स्वर है? मैं बोल रहा हूँ कल्प वृक्ष, जिसकी तुम इतनी दिनों से सेवा कर रहे हो। तुम कल्प वृक्ष हो? हाँ जिमूत वाहन, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या चाहते हो? ये कल्प वृक्ष तुम्हारी हर अभिलाषा पूर्ण करेगा। मैं राजकुमार हूँ, युवराज। मेरे पास सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। सोचो युवराज, जो चाहो मांगो। यदि अपने लिए नहीं तो अपने परिवार, संबंधी, मित्र, किसी के लिए जो चाहो मांगो। हम राजा हैं और राजा का परिवार उसका पूरा देश होता है। प्रजा हमारी संबंधी है। अगर तू देना चाहता है तो सबके लिए दे, जिससे सबके दुख दूर हो सके और सब सुखी हो सके। ले जिमूत वाहन, सबको सुखी कर, सबका दुख दूर कर। जीवन की महानता स्वयं सुखी होने में नहीं, दूसरों का दुख दूर करने में है। जीवन की महानता स्वयं सुखी होने में नहीं, दूसरों का दुख दूर करने में है। दूसरों का दुख दूर करने में है। दूसरों का दुख दूर करने में है। इधर नहीं चाहिए क्या? नहीं बेटा, हमारी दौलत तो लूट रही है। हमारे हमारी पूरी जाति पर संकट है बेटा। बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। हमारी रक्षा कर राजकुमार, हमारी रक्षा कर। कैसी विपदा? कौन सा संकट? मैं कुछ समझा नहीं। हम मनालेल पर्वत की घाटी के पास बसे नाग जाति के है बेटा। हाँ? रोज आकाश से साक्षात मृत्यु उतरती है हमारे गांव पर, और किसी न किसी का अपने प्राण देने पड़ते हैं बेटा। रोज मृत्यु उतरती है, प्राण देने पड़ते हैं।
एक करके हम सब समाप्त हो जाएंगे। इस संकट से हमारी कौन रक्षा करेगा? हम तेरी प्रजा हैं बेटा। घबरा मत माँ, मैं रक्षा करूंगा। मैं कल ही मलयालम पर्वत की ओर जाऊंगा। आपका स्वागत है। मैं जान सकता हूँ आपका परिचय? आप है राजकन्या, महाराज ने इन्हें आपके स्वागत के लिए भेजा है। उनसे मेरी ओर से क्षमा मांगिए। उनसे कहिए लौटते समय मैं अवश्य रुकूंगा। एक दिन रुक जाते तो? एक दिन रुकने का मतलब है एक और मौत, किसी अनजान व्यक्ति की मौत। हाँ, यदि संभव हो तो आप मेरी प्रतीक्षा करें। क्या बात है, ये क्यों रो रही है? आज इसका बेटा मरने वाला है। आज इनका बेटा बड़े पंछी का भोजन बनने वाला है। अरे रो के क्या होगा, मरना तो है ही। क्या नाम है इसके बेटे का? शंखचूड़। रो मत माँ, शंखचूड़ से कहना पक्षी का भोजन मैं बनूंगा, उसकी जगह मैं मरूंगा। मैं जिमूत वाहन, राजकुमार जिमूत वाहन। कहाँ है तुम्हारा बेटा? ऊपर पहाड़ी के मंदिर में दर्शन करने गया है। Thank you.
माँ 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 मुझे आशीर्वाद दो माँ, मैं जल्दी में हूँ, पक्षी के आने का समय हो गया है माँ। चुक चुक जियो मेरे बेटे, आज तुम्हारे प्राण बच गए। क्या क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटे, आज तुम्हारी जगह एक दूसरा व्यक्ति अपनी प्राण दे रहा है। कौन माँ, कौन है वो? राजकुमार जीमूतवान। वो कौन होते हैं मेरे जगह प्राण देने वाले? माँ आज आज तेरे बेटे की बारी है माँ, आज आज प्राण की आहुति तेरे बेटे की होगी माँ, आज प्राण मैं दूंगा माँ, मैं दूंगा माँ, मैं दूंगा। नहीं बेटे, समझो नहीं, तुझे तो गर्व होना चाहिए माँ, तुझे तो गर्व होना चाहिए माँ। माँ आज माँ आज प्राण मुझे दे लेते माँ, मुझे दे लेते माँ माँ कुमार, नहीं राजकुमार, तुम प्राण नहीं तोगे, चले जाओ यहां से, आज आज मेरी बारी है। लौट जाओ संगचूर, चले जाओ यहां से। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। तुम होते कौन हो मेरा स्थान लेने वाले? मैं हूं राजकुमार जिम्मतवाहन, मैं क्षत्रिय हूं, दूसरों के प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। मैं इस पक्षी से लड़ूंगा और इसे मार डालूंगा। तुम मूर्ख हो राजकुमार, इस महान शक्ति से तुम कभी भी विजय नहीं पा सकते, तुम तो मरोगे ही, और इस महान पक्षी का क्रोध हमारी जाति पर टूटेगा, हम सारे नाग मारे जाएंगे, पता नहीं कितने घर बर्बाद हो जाएंगे। तुम लौट जाओ राजकुमार, तुम लौट जाओ। नहीं समझो। कौन हो तुम? मैं हूं राजकुमार जिम्मतवाहन। तुम नाग तो नहीं लगते? मैं क्षत्रिय राजपुत्र, ये मेरी प्रजा है। आज तुम मेरा आहार बन के आए हो? मुझे आहार बनाना इतना सरल नहीं पक्षीराज, इससे पहले कि तुम मेरे प्राण लो, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। पक्षीराज, इन्हें क्षमा कर दीजिए पक्षीराज, मैं आपका आहार हूं पक्षीराज, मुझे ग्रहण कीजिए पक्षीराज। तुम अपने प्राण देने के लिए क्यों उतावले हो रहे हो जिम्मतवान? चले जाओ यहां से। ये मेरा कर्तव्य है, दूसरों के प्राणों की रक्षा करना मनुष्य का धर्म है। मैं तुम्हारी वीरता और साहस से बहुत प्रसन्न हूं जिम्मतवान। यदि आप प्रसन्न हैं, तो नागों पर कृपा कीजिए, इनके प्राणों पर संकट बनकर रोज यहां ना बंद कीजिए। फिर मेरा आहार, मेरा भोजन? आपके भोजन की व्यवस्था मैं करूंगा, आप निश्चिंत रहें, आज से आप मेरे अतिथि हैं।
राजकुमार, राजकुमार चिम्मटवाहन की जय, राजकुमार निगान की जय, राजकुमार की जय। इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल रुक गया और उसने विक्रम से एक प्रश्न किया। ये बता विक्रम कि राजकुमार जीमूतवाहन और शंखचूड़ में कौन अधिक वीर और साहसी है? वीरता किसमें अधिक है? कौन अधिक हिम्मत वाला है, जीमूतवाहन या शंखचूड़? जल्दी बता वरना मैं तेरे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हाँ बेताल, शंखचूड़ में साहस अधिक है, वो बड़ा वीर है। जीमूतवाहन ने जो वीरता और साहस दिखाया वो उसका धर्म था, कर्तव्य था। शंखचूड़ जानता था कि उसके प्राण बच गए हैं, अब उसे पक्षी का आहार नहीं बनना है, उसकी जगह अब जीमूतवाहन अपने प्राण देगा। लेकिन उसके बाद भी वो आया, उसने राजकुमार को रोकने का प्रयत्न किया और स्वयं आहार बनने के लिए पक्षी का आवाहन किया। बेताल, शंखचूड़ ज्यादा साहसी है, वो ज्यादा बड़ा वीर है। कल्पवृक्ष, पक्षीराज हमारे अतिथि हैं, उनके भोजन का प्रबंध कीजिए। ठीक तर्क से निर्णय किया तूने, अच्छा गणित किया, मगर तुम्हारी समस्या ये है कि निर्णय करोगे तो बोलोगे, और मेरी शर्त ये है कि तुम बोलोगे और मैं जाऊंगा, तुम बोले मैं जा रहा हूं। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरा पीछा छोड़ दे, मैं तेरे बस में आने वाला नहीं हूँ। जिसने तुझे मेरे पीछे लगाया है वो महान झूठ है। विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल, विक्रम और बेताल।